वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और आबाद होंगे, और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी ख़ास हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम आमीन। ये जो व्लॉग है ये मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ पर मैं ये लास्ट व्लॉग छोड़कर गई थी। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो बैग है हैंड कैरी उसे खाली कर रही थी, अपना सारा ही कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, कुछ मेरी ज्वेलरी, कुछ बॉडी लोशंस, ये सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही थी, इनको सेट कर रही थी, क्योंकि हम जितने भी डेज यहाँ पर गुजारें तो मैं इन्हें बहुत अच्छे से इजीली यूज़ कर सकूं। और मैं साथ में कुछ मास्क भी लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि पूरा ही दिन यहाँ पर हमें बाहर ही घूमना होता है। और उसके बाद फिर जब मैंने सारा ही बैग खाली कर दिया था, मैं बार बार इस विंडो की तरफ आती हूँ और बार बार ये खूबसूरत ही नज़ारा देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। और साथ में मोहम्मद हसन भी आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं, और उनको मैं थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही समझाती हूँ कि इस तरह है, हम यहाँ पर हैं, तो वो मासूम थोड़ा थोड़ा ही समझ पाता है। तो आप लोग कुछ सोचिए कि कितना ही ये खूबसूरत नज़ारा है और कितना अच्छा लग रहा होगा मुझे ऐसा खूबसूरत व्यू देखकर। यहाँ पर मैं अब सोच रही थी कि मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करूँ, हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, आप लोग टाइम देख सकते हैं। बट इसी ही टाइम तो हमारी स्किन को केयर की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ पूरा दिन ही मैं बाहर रही थी, सफ़र में थी। ठीक है, मैं रूम में आई थी, मैंने शावर लिया था, मैं फ्रेश हुई थी, बट ये था कि उसके बाद भी तो फिर मैं बाहर गई, तो इस तरह पूरा दिन ही मेरा बाहर था। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, बहुत अच्छे से अपने फेस की, स्किन की क्लिंजिंग की, बहुत अच्छे से उस पर मास्क लगाया। तो मगर यह है कि मैंने शूट नहीं किया, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अपने जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बस मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से पैम्पर किया, उसकी केयर की, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसा लगता है इसी टाइम ही तो हमारी स्किन को नीड होती है, और मैं कभी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटती। और थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ़ दी, बट ये तकलीफ़ मुझे बहुत ही फ़ायदा देती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, एक्चुअली मेरे वॉइस के साथ जो मसला होता है उसकी आवाज़ आती है, बट बीच बीच में से जो वर्ड्स होते हैं वो सुनाई ही नहीं देते। और ये है कि फरमान की आप लोगों को प्रॉपर आ रही होती होगी, तो ये कुछ मेरी ही वॉइस के साथ कुछ मसला है।
और बस यहाँ पर फिर मैं गुंबद-ए-खज़रा को देख देख कर जो मेरी रात की सारी सोते टाइम की दुआएं होती हैं और अल्लाह पाक से जो मैं जो भी मेरी दुआएं होती हैं हिफाजत की, तो वो मैं भूख रही थी फरमान पर अपने बेटों पर, जो मैं हमेशा से ही करती हूँ। उसके बाद बस फिर हम सो गए थे और ये जो खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये है सुबह फजर के टाइम का जी। फिर हम सो गए थे और उसके बाद हम उठे थे तहज्जुद में और फिर हमने बहुत अच्छे से फजर की नमाज भी पढ़ी। इस टाइम नमाज हो चुकी है और मैंने ऊपर ही नमाज पढ़ी बाद जमात के साथ ही, और फरमान नीचे चले गए थे मस्जिद नबवी में। मैं इस वजह से नहीं जा पाई क्योंकि जो मेरा बेटू है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था। तो फिर हमने यही ही डिसाइड किया कि मैं ऊपर ही नमाज पढ़ लूँ। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर ही आवाज़ आती है, तो मैंने ऊपर ही जमात के साथ नमाज पढ़ी। और बस उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं शूट कर रही थी और आप लोगों के लिए ये नज़ारा बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कर रही थी। और COVID-19 की वजह से बहुत कुछ हम नहीं चाहते थे, हमने वो चीज़ें भी फेस की और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। और यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितने ही कम लोग हैं, बट अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फैमिलीज़ और कुछ लोगों से भी बात कर रहे थे, कहते हैं कि हम अब इस तरह से देख रहे हैं मस्जिद नबवी को, तो हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रही है क्योंकि एक टाइम था कि यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं था COVID-19 की वजह से। और ये बात है कि सच्ची में जो हम जब रात में शाम में इधर पहुँचे तो हम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, और क्योंकि यहाँ पर बहुत रौनक होती है, बहुत लोग होते हैं, तो हमें ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और हमारे जिस्म में, जिसे कहते हैं कि बस कुछ अजीब सी ही फीलिंग्स हो गई थी, तो फिर भी अल्लाह पाक का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं और हमें खुशी भी हो रही थी कि हम ऐसे इतने अच्छे अच्छे इतने लोगों को हम देख रहे हैं। और ये जो आप लोग सामने गार्डन देख रहे हैं, इसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ लोगों को तो पता ही होगी और कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो इस बार हमें ये खुशी हो रही थी कि इस बार हमारा जो रूम है वो कुछ इस तरह से है कि एक तरफ हमें मस्जिद नबवी दिख रहा है, गुंबद-ए-खज़रा दिख रहा है, और एक तरफ हमारे ये गार्डन है, सकीफा गार्डन। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस गार्डन की हिस्ट्री ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमानों ने इस जगह पर अपना खलीफा चुना था। बस उसके बाद थोड़ी ही देर बाद हम फ्रेश होने लग गए थे और तैयारियाँ हमने शुरू कर दी थी। बिल्कुल भी नहीं सोए क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट पे जाना था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने कपड़े दिखा रही थी,
ये गाउन है, साथ में उसके ये स्कार्फ है और साथ में ये जंपसूट है और जो कि आप लोगों ने देखे जो जूते वो फरमान जो मेरे लिए लेकर आए थे वो मैं अभी पहन रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, ये जंपसूट बिल्कुल लास्ट डे ही फरमान मेरे लिए लेकर आए हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि फरमान को ऐसा लगता है कि येलो कलर मुझ पर बहुत ज़्यादा ही सूट करता है, तो उनको ये पसंद आया था, वो किसी काम से गए थे तो वो मेरे लिए ये ले आए थे। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सी पीछे से आप नॉइज़ सुन रहे होंगे, बट ये मेरा बेचू है जो कि अपनी राइम्स सुनता है, ब्लिपी देख रहा होता है और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बस इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बस ये कुछ इस तरह से है और मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में ये गाउन भी दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया था कुछ मंथ्स पहले मदर निशा से और ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और आप लोग ने देखा कि इस पे टैग भी लगा हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक इसे यूज़ ही नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह का है और मैंने तकरीबन कुछ मंथ्स पहले इसे ऑर्डर किया था, तो ये काफ़ी लूज़ है बट ये है कि ये मेरा ही साइज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ सा ही इसका पैटर्न होता है। यस बेटे, ओके ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मेरी फाइनल लुक और ये मेरे बहुत प्यारे से जूते जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये है और ये है कि मुझे तो अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत अच्छी लग रही थी अपने आप को। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मैं इस तरह से कैसी लग रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे ही होटल में और बस ये मेरी फाइनल लुक है और जो अंदर जंपसूट मैंने पहना हुआ है अगर मैं उसे रूम में पहनती हूँ तो आप लोगों ने देखा कि वो स्लीवलेस है तो मैं उसके ऊपर श्रग ले लेती हूँ और इस तरह अब मैं बाहर जा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने गाउन लिया हुआ है तो इसमें श्रग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अब हम जा रहे हैं होटल के ही रेस्टोरेंट और वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे जो कि है बूफे। सबको ही पता होगा कि होटल्स में ज़्यादातर ही बूफे ही होता है, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं और हमेशा की तरह उसके बाद फिर हम ज़ियारात पर जाएंगे। Thank you.
फिर बस अब हम आके हैं रेस्टोरेंट और ये फर्स्ट फ्लोर पर है और आप थोड़ा सा साइड पर देख रहे होंगे कि ये एक आइसक्रीम बार था जो कि बंद है और आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि कितनी ही खामोशी है। जो लोग मदीना आ चुके हैं उनको ये ज़रूर ही पता चल रहा होगा। ये जो अब आप अंकल देखेंगे सामने, ये पाकिस्तान के ही थे और हमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और ये पाकिस्तान एबटाबाद से थे, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है जब हम किसी अपने इंडियन पाकिस्तानी को देखते हैं। और इनसे तो हमने ये भी कहा कि हमारी जो एक फरमान की बहन है वो भी एबटाबाद में ही रहती हैं, तो हमने इनको बताया और इनसे पूछा भी कि आप किस एरिया में रहते हैं और अपना भी इनसे शेयर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची में इनसे भी मिलकर। और तो बस फिर हम इस तरह से आ गए हैं और अपना ब्रेकफास्ट अब हम बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब हम होटल बुक करवा रहे थे तो बहुत से ऑप्शंस आ रहे होते हैं और बहुत अच्छी जैसे कहते हैं कि ऑफर्स होती हैं कि हम अगर डिनर यहाँ पर बुक करवा लें जितने भी डेज यहाँ पर रह रहे हों, या ब्रेकफास्ट करवा लें या लंच करवा लें, तो हमने उस टाइम क्यों नहीं करवाया। हालांकि हम करवाते हैं हमेशा, मगर इस वजह से नहीं करवाया कि मैंने बहुत से सिटी में गई हूँ, वहाँ मैंने बहुत सी होटलिंग की है, तो बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि हमें खाने बिल्कुल भी नहीं पसंद आए हैं। तो हमें चेक भी करना था कि यहाँ पर सब कैसा होगा, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद आया। और ये है कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि फरमान और मैं, इसको आप बुराई कह लें या अच्छाई कह लें, हमें बहुत कम खाने पसंद आते हैं और हमने काफ़ी ही यहाँ पर फूड टेस्ट किए हैं, मगर सच्ची में ये जो ब्रेकफास्ट था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं ज़रूर ही आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि अगला साल जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है हम सब के लिए। तो ज़रूर जब आप लोग उम्रे के लिए आएँ तो ज़रूर ही जिनको हमारी तरह अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है तो ज़रूर ही इधर आइएगा। सच में मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही दिल से कह रही हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों को ये जगह बहुत अच्छी लगेगी और आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी होंगे। प्लस यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और बस मैं यही कहूँगी कि हम दोनों जो कि बहुत ही बड़े हैं तो हम दोनों बहुत सेटिस्फाइड थे इनसे,
तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर इधर आइएगा। और ये इस तरह था कि 75 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 75 रियाल्स पर हेड था, बट बहुत अच्छा फूड था सच में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि हमारी तरह जिनको बहुत मुश्किल हो रहा होता है, हमने कहीं ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो हमने पैसे जस्ट ज़ाया ही किए हैं, तो अगर जो लोग हमारी ही तरह हैं तो ज़रूर इधर आके ट्राई करिएगा। और ये है कि इनसे हमें ये भी पता चला कि ये रेस्टोरेंट खुले हुए यहाँ पर 2 ही डेज हुए हैं। इससे पहले कोरोना कोविड-19 की वजह से ये क्लोज था, तो लोग कम थे। जैसे उम्र के लिए लोग आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बहुत से लोग होते हैं, तो कम थे उस हिसाब से कम थे। बट अगर फिर से ही आना स्टार्ट होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग और भी बहुत ही अपना बेस्ट जिसे कहते हैं देंगे। जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मस्जिद नबवी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल ये साथ ही है मस्जिद नबवी के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है कि यहाँ से सकीफा गार्डन, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, वो भी साफ दिखाई दे रहा था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और एक और बात ये भी है कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स थे बांग्लादेशी, केरला से और इंडियंस और पाकिस्तानीज, तो वो भी इतने ज़्यादा अच्छे थे, तो वो बिल्कुल अपना अपना ही जैसा लग रहा था। क्योंकि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, हम आप लोगों को पता है कि ताइफ में रहते हैं और वो एक छोटा सिटी है, तो वैसे मैं बाहर भी गई हूँ और सिटीज़, मगर ज़्यादातर हमें वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो सऊदीज़ ही मिलते थे, तो ये एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और हमने ये काफ़ी टाइम बाद फेस की ये चीज़। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा हो, और आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर यह व्लॉग ख़त्म होगा उसके आगे से ही मैं व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी। फिर मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।